हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्लोकिनो के ऊपर। जी बिल्कुल, देखने की कोशिश करेंगे भाई फ्लोकिनो की दुनिया में क्या क्या अपडेट देखने को मिली, किस तरह जो फ्लोकिनो मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो भी देखेंगे। साथों साथ थोड़ी बहुत शिबा के रिलेटेड एक न्यूज़ देखने को मिली, वो न्यूज़ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इससे पहले कि मैं अपनी फ्लोकिनो की वीडियो की तरफ मूव करूँ, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूँ, रिक्वेस्ट यू कि आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ भाई, क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी जाकर सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि फ्लोकिनो, किशुनो, लवलीनो, कोई भी कॉइन, उनके रिलेटेड कोई भी अपडेट निकल जाए, कोई भी न्यूज़ निकल जाए, कोई भी कंटेंट वगैरह कुछ भी निकल गया, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन सारी चीज़ों को मिस ना कर सके। सो यहाँ पे विदाउट इन्वेस्टिंग एनी टाइम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ। पहले हम देख लेते हैं मार्केट की हालत। बिटकॉइन बाजार 26,427 पे चल रहा है, 1.5% बढ़ चुका है 24 घंटों में, और ये 7 दिनों में तकरीबन 7.3% डाउन जा चुका है। उसके बाद बात करें इथेरियम की, तो $6,871 पे चल रहा है, 1.7% 24 घंटों में बढ़ चुका है, और बीएनबी 219 पे चल रहा है, 1.8% बढ़ चुका है, एक्सआरपी 0.52 पे चल रहा है, 2% बढ़ चुका है। तो इस तरह ओवरऑल जो मार्केट है वो हमें देखने को मिल रही है। तो वहीं पे अगर मैं बात करूँ मजीद फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को लेकर, तो भाई जो लास्ट मंथ 50 स्कोर के साथ न्यूट्रल था, और लास्ट वीक भी ये 50 स्कोर के साथ हमें न्यूट्रल देखने को मिला था, जो कल 37 स्कोर के साथ फेयर में था, वो आज 41 स्कोर के साथ हमें एक फेयर कंडीशन में भी हमारा फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स देखने को मिला है। तो वहीं पे अगर मैं बात करूँ फ्लोकिनो को लेके, तो भाई फ्लोकिनो की कंडीशन के साथ चल रहा है, तो भाई फ्लोकिनो 167 नंबर पर रैंक कर रहा है, 0.40 उसके बाद 1839 इसकी करंट प्राइस चल रही है, 0.9% भी 24 घंटों में बढ़ चुका है, और ये BTC के हिसाब से 0.3% डाउन जा चुका है, और इथर के हिसाब से ये 0.5% ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा चुका है। क्योंकि अगर हम देखें तो ये अपने ऑल टाइम हाई से 94% डाउन है, जो उसने तकरीबन November 4, 2021 को बढ़ाया था, लेकिन एनुअली बेसिस पे ये 65% बढ़ चुका है, लेकिन 30 दिनों में ये 15%, 14 दिनों में 17% और 7 दिनों में 14% जो है वो ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड की तरफ भी हमारा जो है फ्लोकिनो जा चुका है। तो वहीं पर अगर हम देख लें तो भाई ये ओवरऑल मार्केट की हालत है। अगर शिप को लेकर, तो शिप भी 14 नंबर पर रैंक कर रहा है, 0.450 उसके बाद 832 इसकी करंट प्राइस है, 0.6% बढ़ चुका है। तो यहाँ पे फिर पहले शिप के रिलेटेड जो न्यूज़ थी वो शेयर कर देता हूँ। जी बिल्कुल, यहाँ पे ब्राज़ीलियंस कैन नाउ मेक पेमेंट्स यूजिंग शिबा नो आफ्टर द लॉन्च ऑफ बाइनेंस पे। जी बिल्कुल, बाइनेंस पे जो है वो ब्राज़ील में लॉन्च हो चुका है, तो उसकी वजह से ब्राज़ीलियन जो है वो शिप को एज ए पेमेंट यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिली है। इट मीन कि आप कह सकते हैं कि भाई जो शिबा इनू की जो है एडॉप्शन जो है वो हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अब ब्राज़ील भी उसको एज ए पेमेंट यूज कर सकता है। तो ये एक बहुत गुड न्यूज़ थी शिबा इनू के होल्डर्स के लिए। तो यहाँ पे हम बात करें फ्लोकिनो को लेकर, तो भाई क्या क्या अपडेट्स हमें देखने को मिल रही है। तो भाई यहाँ पे हम आ चुके हैं फ्लोकिनो, तो भाई फ्लोकिनो का मर्च स्टोर है, वहाँ पे आप जो भी मर्च वगैरह परचेस करना चाहते हैं तो आप इजीली पे कर सकते हैं, किसी भी पेमेंट मेथड की मदद से आप उसको पे कर सकते हैं, चाहे क्रिप्टो हो या फिएट करेंसी वगैरह हो। तो यहाँ पे जो फ्लोकिनो जो है वो हैज बीन लिस्टेड एंड वैलिडेटेड ऑन मैजिक स्क्वायर। जी बिल्कुल, मैजिक स्क्वायर पे जो है फ्लोकिनो ऑफिशियली जो है लिस्ट भी हो चुका है और वैलिडेट भी हो चुका है। जी बिल्कुल, वेब मैजिक स्क्वायर एक वेब थ्री का जो एंगेजमेंट हब है, जिसमें एक कम्युनिटी वगैरह, एप्लीकेशन, गेम्स वगैरह, एक स्टोर है वेब थ्री का, वहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिली। तो वहाँ पे हमने देखा कि ऑफिशियली जो है अभी जो फ्लोकिनो है वो भी वहाँ पे आ चुका है, और वहाँ पे इजीली ये वैलिड भी हो चुका है। उसके साथ यहाँ पे मैं बात करूँ स्लमडॉग मिलियनेयर की तरफ से पेविड हो, फ्लोकिनो के सपोर्ट में हमें ट्वीट्स वगैरह देखने को मिलती रहती है। उसके बाद नाउ पेमेंट्स भी फ्लोकिनो को सपोर्ट करता है, उसकी मदद से फ्लोकिनो कहीं पर भी ऐसे पेमेंट ले सकते हैं। उसके बाद तकरीबन बेंजिंगा के ऊपर हमें रिसेंटली एक आर्टिकल देखने को मिला था फ्लोकिनो के ऊपर, तो इट मीन कि इसकी कम्युनिटी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा था कि एक्स इज़ अ डोज एंड डोज इज फ्रेंडली प्लेस। जी बिल्कुल, यहाँ पे फ्लोकिनो भी डोज है, तो भाई इनका कहना है कि एक्स भी एक डोज के प्लेस है, डोज के लिए फ्रेंडली है। उसके बाद हमें कुछ दिन पहले जो है वो 22 अगस्त को ये हमें फ्लोकिनो जो है सेटिंग में हमें ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट्स में भी देखने को मिला था। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि भाई फ्लोकिनो जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आपको मुझसे कि मैं जरूर बताएं कि आप फ्लोकिनो को लेकर क्या सोचते हैं। मुझे उम्मीद की छोटी वीडियो थी लेकिन आपको पसंद आएगी, आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है। पीस, थैंक यू।